केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। समर्थ गुरु रामदास जो हमारे भारतीय संस्कृति के युग पुरुष हैं, भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। समर्थ गुरु रामदास का जन्म 1608 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष भी की नौमी तिथि को हुआ था। आपका नाम नारायण था। सूर्याजी पंत और राणूबाई के यहां पुत्र थे। बचपन से ही महामानव के लक्षण आपके जीवन में प्रकट होते थे। ऐसा लगता था ये नारायण बाल हनुमान के रूप में जन्म लिए थे, वैसा ही आचरण, वैसे शरारती प्रवृत्ति। एक दिन माँ ने इतने प्रेम से, इतने हृदय से उनको शरारत छोड़ने के लिए और अपने जीवन को हनुमान की तरह बनाने के लिए राम भक्ति की उन्होंने प्रेरणा दी, तो वास्तव में वो माता की डांट उनके आमूलचूल जीवन को परिवर्तन कर गई। माँ ने जो एक एक शब्द कहे थे वो महज 7 वर्ष की आयु में उनके दिलो दिमाग में उतर गए, और जैसे हनुमान की भगवान राम के प्रति भक्ति थी वैसे भक्त बन गए। समय बीतता गया, 12 वर्ष की अवस्था में टाकली नामक स्थान पर उन्होंने प्रभु श्री राम की आराधना में 12 वर्ष तक कठोर साधना की। 12 वर्ष तक राम की भक्ति में टाकली में उन्होंने साधना की, और ऐसी साधना की तभी से उनका नाम रामदास पड़ गया। कहा जाता है उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी के दर्शन का परम आनंद उन्हें प्राप्त होता था, और बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन
और जीवन जीने की कला उनके संपर्क से मिलती रही। राम भक्ति की साधना को संपन्न करने के बाद, अपनी तप साधना पूरी करने के बाद, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश की 12 वर्ष तक यात्रा की। 12 वर्ष तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में उन्होंने समय व्यतीत किया। इस भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने हिंदुओं की दुर्दशा, उनकी गुलामी, मुगलों के अन्याय और अत्याचार उन्होंने बड़े निकट से देखे। और भारत के मूल निवासियों के प्रति ये अन्याय अत्याचार देख करके उनकी आत्मा त्रस्त हो उठी। उन्होंने कहा, जिस देश के बाशिंदे, जिस देश के मालिक हैं, उसी अपने देश में ऐसी गुलामी और इतना अन्याय अत्याचार। तो उन्होंने ये पाया, हिंदुओं में संगठन के अभाव में ये है कि इसके लिए कुछ करना है तो तमाम हिंदू परंपरा को जो भारतीय हैं उसमें संगठन होना बहुत जरूरी है। भेदभाव दूर होकर के आपसी स्नेह संगठन होने में बढ़ना बहुत आवश्यक है। जब तक आपसी संगठन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये संकल्प लिया कि इन अन्यायी मुगल शासकों के अत्याचार से इस देश को मुक्त करना बहुत आवश्यक है। भारत देश की इस जनता की गुलामी को तोड़ना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए स्वराज्य की स्थापना एक लक्ष्य बना करके चलने की जरूरत है। तो उन्होंने स्वराज्य की स्थापना, पारस्परिक स्नेह सद्भाव और एकता का संदेश, और भेदभाव को छोड़कर के एक हो करके आगे बढ़ने की प्रेरणा, ये उन्होंने देशवासियों को देना प्रारंभ किया। उन्होंने देश के युवाओं में, या जिसमें थोड़ा युवा दिमाग था जिनमें, उन सब में स्वराज्य की चेतना को जगाना प्रारंभ किया। ये देश तुम्हारा, तुम यहाँ के निवासी हो, तुम्हारा इस देश के संसाधनों के ऊपर जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने का किसी को हक नहीं है। ऐसे देश भर में उन्होंने पता नहीं कितने मठ और अखाड़े बनवाए, और उन अखाड़ों में हनुमान की मूर्ति स्थापित करवाई। अब युवकों को वहां आकर के व्यायाम करना, कसरत करना, प्राणायाम करना, ये नियमित रूप से करने की प्रेरणा दी, जिससे उनका स्वास्थ्य सुंदर हो, सुगठित हो, और परस्पर मेल मिलाप करने से एक दूसरे के अनुभव का ज्ञान उनको एक दूसरे को मिले, जिससे एक दूसरे की भावनाओं से वो परिचित हो सकें, और भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से अन्याय अत्याचारों का मुकाबला करने की ताकत उनके अंदर पैदा हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने जय जय श्री रघुवीर समर्थ, ये जो है उद्घोष उन युवकों को प्रदान किया। और ये इसे न मालूम कितने युवक, असंख्यात युवक इन मठों और अखाड़ों के माध्यम से स्वराज्य की दिशा में उन्मुख हुए। इसी स्वराज्य के आंदोलन के बीच में
समर्थ गुरु रामदास से वीर शिवाजी का संपर्क हुआ। वो जावाज योद्धा थे। जब वो संपर्क में आए तो शिवाजी को देख करके गुरु रामदास बड़े प्रभावित हुए और गुरु रामदास को देख करके शिवाजी के मन में अटूट श्रद्धा पैदा हुई। उनका जीवन प्रसन्नता से भर गया। उनसे जो उनको मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली तो इससे उनके मन में जो अपने भारतीयता की भारतीय संस्कृति का जब उद्घोष था वो इतना बुलंद हुआ। हिंदू साम्राज्य की स्थापना, भारतीय साम्राज्य की स्थापना, स्वराज्य की स्थापना, इस भावना ने इतना गहरा असर, इतनी गहरी प्रेरणा शिवाजी के हृदय के अंदर और जगी। शुरू से ही थी, उनके परिवार से ही ये राष्ट्र प्रेम वगैरह सब कुछ उनको मिला हुआ था। लेकिन राष्ट्रवादी संत समर्थ गुरु रामदास के संपर्क आने के बाद शिवाजी महाराज को नई चेतना पैदा, नई चेतना मिली, नई जागृति मिली। वो उनके समर्पित शिष्य हो गए और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने फिर देश की सेवा का प्रण लिया। समर्थ गुरु श्री उनका त्याग और त्यागमय जीवन और उनकी जीवन यात्रा, एक अकिंचन संत होकर के ये इतने लोगों में स्वराज्य की भावना अगर पैदा कर सकते हैं तो आदमी क्या नहीं कर सकता। ऐसा साहस, ऐसा बल, ऐसी चेतना उनके मन के अंदर पैदा हुई और वो जीवन के अंदर अजय बने रहे। और शिवाजी महाराज का जीवन और वो सब तो ऐसा अद्भुत था जिसका, तो ऐसे ये गुरु शिष्यों ने मिलकर के जो स्वराज्य के आंदोलन को जड़े जगे जन जन तक पहुंचाया। कहा जाता है 7 दशकों के उद्देश्य पूर्ण 7 दशक तक जीवन यात्रा करने के बाद संत समर्थ गुरु रामदास अपने जीवन के आखिरी समय में सतारा के पास सज्जनगढ़ के किले के अंदर पनारे और वहीं पर वो रहे। आखिरी समय उन्होंने वहीं पर व्यतीत किया। तमिलनाडु के तंजावर में रहने वाले एक अरणीकर नाम के शिल्पकार ने राम सीता, माता सीता, लक्ष्मण की मूर्ति बना करके उनके पास भेजा था और वो इतनी अद्भुत मूर्ति थी। गुरु समर्थ गुरु रामदास उसको देख करके इतने प्रसन्न हो गए और उनके सामने बैठ करके अपनी आराधना साधना करते थे। समर्थ गुरु रामदास ने 5 दिन तक उस देव प्रतिमा के सामने निर्जल उपवास करके 1682 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में पद्मासन के ऊपर बैठ करके राम भक्ति में तल्लीन होते हुए और निर्जल उपवास के 5 दिन के निर्जल उपवास के साथ साथ राम नाम का जाप करते करते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया या ब्रह्मलीन हो गए और सज्जनगढ़ के किले में उनकी समाधि और वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। वो सब देख करके अपने को बहुत अच्छी तरह से वो सारी संस्कृति हमारे को याद आती है। समर्थ गुरु रामदास की गिनती राष्ट्रवादी संतों में होती है और उन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और कट्टर मुगल आक्रांत के छक्के छुड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतस में शौर्य को इतना भर दिया, राष्ट्रीयता को इतना भर दिया था, वो कभी इन मुगल शासकों के सामने झुके नहीं।
और उन सारी शक्तियों का डट करके मुकाबला करते रहे तो हमारा देश इन वीर बहादुर योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और ऐसे सन्यासियों से प्रेरणा लेता रहा है और आगे बढ़ता रहा है। और ये हमारे भारतवर्ष की अपनी पहचान है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।